नीतू दीदी तो जब भी यहाँ आती है कुछ ना कुछ लेने की लगी रहती है, इसलिए उनके सामने ज्यादा सामान मत दिखाया करो। आज जैसे ही नीतू ने अपनी माँ को अपने आने के बारे में खबर की, उसकी भाभी प्रिया एकदम से कमरे में जाकर पति सौरभ से बोली, तुम सही कहती हो, आज ही नीरज ने आम की 2 पेटी भेजी है, अगर दीदी ने देख ली तो मम्मी से कहकर आम ले जाएंगी। सौरभ ने भी प्रिया की हाँ में हाँ मिलाई। शाम को नीतू मायके पहुंच गई। जून का महीना खत्म होने को था, बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले थे, इसलिए नीतू केवल 2 दिन के लिए आई थी। रात को जब सबने खाना खा लिया तो नीतू की माँ रेवती जी ने प्रिया से कहा, बहू सबके लिए आम काट कर ले आओ। तो प्रिया ने कहा, मम्मी वो आम अभी पके नहीं है, 2-4 दिन में खाने लायक होंगे। बहू की बात सुनकर रेवती जी चुप हो गई। रात को नीतू अपने कमरे में सोने चली गई तो उसकी बेटी ने मामा के बच्चों के साथ सोने की जिद की। नीतू को प्रिया भाभी के रूखे व्यवहार के बारे में पता था, वो तो केवल अपनी माँ की वजह से वहां आती थी। उसने बेटी को बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी, तो नीतू उसे भाई के कमरे में छोड़ने चली गई। अभी कमरे के बाहर ही पहुंची थी कि उसे भाभी की आवाज आई, देखा मेरा कमल, मैंने कितनी आसानी से कह दिया कि अभी आम कच्चे है, और सबको मेरी बात का विश्वास भी हो गया, किसी को नहीं लगा कि मैंने झूठ कहा है। तब तक नीतू की बेटी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। नीतू ने देखा भाई के बच्चे आम खा रहे थे। वो सब देख और सुनकर नीतू को बहुत बुरा लगा, उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। फिर नीतू तुरंत अपने कमरे में चली गई। 2 दिन के लिए आई नीतू ने अगले ही दिन अपना वापसी का टिकट कटा लिया। रेवती जी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने बेटी को बहुत रोका, लेकिन नीतू अब और ज्यादा अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती थी। चलते चलते नीतू की बेटी नानी के पास जाकर कह आई कि मामी ने रात को हमें आम नहीं दिया और बंटी भैया तो कमरे में आम खा रहे थे। रेवती जी को सारी बात समझ आ गई थी। अगले दिन रेवती जी ने नीतू को फोन किया और उससे सौरभ और प्रिया की इस हरकत के बारे में कहा। फिर नीतू बोली, मम्मी उन दोनों की कोई गलती नहीं, आजकल मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, जब किसी का समय खराब होता है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं, आप मुझे जो भी सामान देती हो मैं वो ले आती हूँ, चाहे वो नया हो या पुराना, चाहे मेरे काम का हो या नहीं, लेकिन मैं इसलिए सब ले लेती हूँ कि आपने मुझे दिया है, अपनी माँ का आशीर्वाद और प्यार समझकर रख लेती हूँ, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन मुझे मायके से एक चीज भी लेने की इच्छा नहीं है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद खरीद लूंगी, चाहे मैं कैसे भी लूं। मम्मी थोड़ा दुख तो होता है जब अपने ही आपके साथ ऐसा करे या आपको गलत समझे, लेकिन इस बात ने मुझे जिंदगी में एक सबक जरूर दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो किसी से कोई उपहार मत लो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको वो उपहार देकर आप पर एहसान कर रहा हो, और हमेशा के लिए आपके लिए उसके मन में एक बात बैठ गई कि आप तो लेने की वजह से उसके पास जाते हो, और आप सौरभ को भी समझा देना आज के बाद मुझे या मेरी बेटी को कोई उपहार देने की ना सोचे, मैं अब प्यार में भी किसी से कुछ नहीं लूंगी। नीतू की बात सुनकर रेवती जी चुप हो गई, वो भी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। बात तो नीतू की सही थी लेकिन वो भी क्या कर सकती थी, आजकल बेटे बहू पर भी कहां जोर चलता है। दोस्तों अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बेटी मायके आती है तो उसकी माँ उसे कोई ना कोई उपहार देती रहती है, और ये बात जब बहू को पता चले तो वो अपनी ननंद से बुरा व्यवहार करने लगती है, पर हकीकत में माँ ने अपनी बेटी को आशीर्वाद के रूप में वो उपहार दिया होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।